आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। कि इस बार जो कारगिल में इलेक्शन हुआ वो यहाँ के स्थानीय चुनाव कह सकते हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जो है चुनाव इस बार 4 तारीख को संपन्न हुआ। आज 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आवाम के लिए है कि डेवलपमेंट वर्सेस जो है बाकियों को चुनना। हम जहाँ जहाँ जिस गांव में गया, लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया, आउटरीच किया, ऐसे ऐसे जगहों पे गया जहाँ पे बहुत सारे नेता जो है, या एनसी का हो, कांग्रेस का हो, या जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे कम पहुँचते हैं। और जब उनका हुकूमत थे तब तो पहुँचते ही नहीं थे। अब हुकूमत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, कल आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब भी वहाँ आया, राहुल गांधी जी आया। जब उनके हुकूमत थे एनसी कांग्रेस का, तो कारगिल के डेवलपमेंट और कारगिल के फ्यूचर को उन्होंने कभी नहीं सोचा। आज बीजेपी के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, लोगों का रुझान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ, भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोग बढ़ रहा है, तो ये लोग जो है दौड़ के आके कारगिल में जो है अनाप शनाप स्टेटमेंट देके गया। 370 एब्रोगेशन को लेके, लद्दाख को अलग से कश्मीर से यूटी बनाने को लेके यहाँ के लोग बहुत खुश है। वो उसका नतीजा आज के रिजल्ट में आपको देखने को भी मिलेगा। और एनसी कांग्रेस ने क्या ऑफर किया कि इस बार कारगिल काउंसिल इलेक्शन वो लोग जिताएंगे तो वो लोग 370 रिस्टोर करेंगे। लोगों को इतना बड़ा झूठ बोल के गया। देखो 370 को रिस्टोर करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो चुका है। और दूसरा, लद्दाख को दोबारा कश्मीर के साथ जोड़ने का उन्होंने वादा किया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो एजेंडा है, हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कॉलिशन करके और एनसी के एजेंडा को सपोर्ट किया। ये यहाँ के कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी हमारे परम पूज्य बाकुल रिंपोचे जी के विजन के खिलाफ काम कर रहा है? क्या लद्दाख के आवाम के साथ, लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ जाके काम कर रहा है? आपको क्या इतना मजबूरी था कि आप 370 वापस और यूटी लद्दाख को खत्म करके कश्मीर के साथ दोबारा जोड़ने वालों के साथ आपको कॉलिशन करना पड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल अब कारगिल इलेक्शन खत्म होने के बाद जो है हम ले के चप्पा चप्पा जाके लोगों के मन में ये इस सवाल को हम गुंजाएंगे, कितने बड़े लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। केवल कारगिल के इलेक्शन जीतने हारने के लिए नहीं, ये लद्दाख के मुस्तकबिल के साथ, लद्दाख के फ्यूचर के साथ जो है ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। बहुत सारे हमारे परम पूज्य रिंपोचे जी, चाहे वो कुशोक बाकुला रिंपोचे जी हो, जो यहाँ से जो तोगदन रिंपोचे जी हो, या स्तगमा रिंपोचे जी हो, या ठिक्से रिंपोचे जी हो, या बहुत सारे जो है हमारे मुसलमान से भी बहुत सारे ऐसे नेता थे, अकबर लद्दाखी जैसे शख्सियत थे, बहुत सारे, सभी लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि हमको कश्मीर से अलग होना है, हमको जाती हो रहा है, कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, हमें अलग होना है। अब अलग होने के बाद यही कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि भाई एनसी के साथ कोलिशन करो, हमारे सपोर्ट करो, हम 370 को रिस्टोर करेंगे, कश्मीर के साथ वापस जाएंगे। ये क्या ड्रामा फैला रखा है इन्होंने? ये यहाँ के कांग्रेस पार्टी के टेरिटोरियल प्रेजिडेंट रिगजिन जोरा साहब को लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ वोट्स शेयरिंग के बारे में। देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, हमारे फेवर में आएगा। 2018 में हमने चुनाव लड़ा कारगिल में, उस वक्त पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में
बीजेपी के हक में, फेवर में 2588 जो है हमारे फेवर में वोट था, वो रिजल्ट शीट आप देख सकते हैं। अब इस बार जो है वही 2588 से वोट जो है ग्राफ ऊपर होके लगभग हम 10-15 हजार 20 हजार तक हम खींच लेंगे, तो नंबर ऑफ वोट जो है हमारा काफी बढ़ रहा है और ग्राफ एकदम स्काई रॉकेटिंग सीधा वर्टिकल में जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और 2018 में पूरे करगिल के जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक ही हम पार्टी के सिंबल पे जीत पाए, बाद में हमने पीडीपी को बीजेपी में मार्च करवाया तो वहां से दो काउंसलर जो है वो पीडीपी से जीत के आया, हकीकत में बीजेपी को केवल एक ही सीट मिला। इस बार हमने पार्टी मैंडेट से एक से बढ़ की कितना मिल रहा है वो हमने देखना है, और मुझे पूरा उम्मीद है लगभग 6 से 8 या 6 से 5 तक सीट हमें मिलेगा। और रिजल्ट के बाद जो है करगिल वाले भी चाहेंगे कि बीजेपी का काउंसिल वहां पे गठन हो, और इलेक्शन में जो है कैंपेन में तो बहुत सारी बातें कहा जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसूल के बात की कि हम डेवलपमेंट को ऑफर करके हमने लोगों से वोट मांगा, जो डेवलपमेंट मोदी जी जो है गारंटी दे रहा है कि करगिल में हम डेवलपमेंट करने के लिए। एनसी कांग्रेस का जो गारंटी है वो करप्शन की गारंटी है, नेपोटिज्म की गारंटी है, बैकवर्ड रखने की गारंटी है, उन्होंने वो ऑफर किया है। अब उनके पास डेवलपमेंट की बात करने के लिए नहीं था तो उन्होंने एक दो आलिम को पकड़ के अनाप शनाप से स्टेटमेंट करवाया, उन्होंने पूरा इस्लाम को बिस्ती करने का कोशिश किया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या वो लोग उनके उनके जबान चलाते थे, क्या क्या तकरीर वो लोग कर रहे थे, मुझे तो खुद अजीब सा लगा कि इस तरह की बातें तो नहीं करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चाई को लोग पहचानते हैं, लोगों के झुकाव, लोगों के रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में है।